इंतहाई काबिल एहतराम एम पी ए साहबान जनाब मरहम रशीद साहब दफर इकबाल नागरा साहब मोअज़्ज़ज़ीन आमाईदीन शहर व महफिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। आज की ये महफिल, आज की ये तकरीब हमारे बहुत ही मोहतरम फरीकैन, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे भाई, जिनके माबैन किसी गलत फहमी की बुनियाद पर कुछ नाराज़गी वाले मामलात हो गए, झगड़ा हो गया, आज ये हमारा आज का इकट्ठ उनकी सुलह के लिए है और ये ऐन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी के मुताबिक अहसन अमल है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नाराज़ मुसलमानों में सुलह करवानी 40 साल की इबादत से अहसन अमल है। लिहाजा मैं इस पे बाद में बात करूंगा कि जिसमें हमारे जिन मौजज़ीन ने, जिन दोस्त अहबाब ने इसमें कुलीदी रोल किरदार अदा किया उनका मैं तज़किरा करूंगा। इससे कबल ज़रूरी समझूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं इंतहाई मोहतरम हमारे बड़े भाई जनाब आज़म वाला साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर सी अपनी गुजारिशात आपके रूबरू पेश करें। जनाब आज़म वाला साहब, सब दोस्त जिते साड़ी गल खत्म हुई थी उतो मैं स्टार्ट कर लगा। अठ दिन दस दिन पहले साड़ी मीटिंग भाई ताहर का भी हुई थी, भाई अहमद भी मौजूद सन, नागा साहब भी मौजूद सन। गल इन्हे तय हुई सी, माजरत की थी कि गलत फहमी ना हो गया या जिस तरह भी हो गया मैं माफी चाहता बट इस सारे नोट मैं इन्होंने गल करके कहा सा कि इस घड़ी तो बाद साढ़े वालों तेरा जानी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जी सुलह या लड़ाई है या तेरना केस लड़ना वो अभी अपने रिश्तेदारों को पूछ के तेरना फैसला करा की करा। तो भाई असगर की भाई फैसल की बड़ी मेहरबानी है कि यह सानू इज्जत बख्शी है कि भाई जो तुम फैसला करोगे सब तो लिहाजा ताकि मेहरबानी सब दोस्तों की आने की जैसा कि मेरे मोहतरम भाई आज़म वाला साहब ने आपसे अपनी जो मालूमात थी, जो उनकी काविशें थी वो उन्होंने आपके साथ शेयर की। अब मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ इतनी अहबाब को बात बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई हैं तरफैन में और उनके माबैन चंद दिन पहले इमरान वैन साहब के डेरा पर किसी गलत फहमी की बुनियाद पर बदमस्ती हो गई, झगड़ा हो गया और मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम फरीकैन का कि जिन्होंने हमारे दो बेहतरीन हमारे प्यारे मुख्तरम मुख्तशिम भाई जनाब मरहम रशीद साहब का, जनाब ज़फ़र इकबाल नागरा साहब का और हमारे वो मुअज़्ज़ज़ीन जिनका मैं तज़किरा करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जिन्होंने कुलीदी किरदार अदा करके हमारे इन भाइयों के माबैन सुलह को यकीनी बनाया। उनमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा जनाब आज़म वाला साहब का, हमारे भाई हैं अली असगर गिल साहब का, जनाब फैसल नवाज़ बाजवा साहब का, जनाब अरफान माना जट साहब हमारे कौमी हीरो हैं, हमारी पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान हैं उनका, इमरान वैन साहब का, खालिक बड़ाई साहब का, अवैस जंजुआ साहब का, राना तारिक साहब का, राना इमरान साहब का, तारिक साहिद साहब का, चौधरी काशिफ गुजर साहब का और हमारे बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिनका शायद मैं माजरत चाहूँगा कि अगर मैं नाम नहीं ले सका लेकिन उन्होंने इस शुरू में एक मरकजी किरदार अदा किया और आज इस बात का तस्करा भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो फरीकैन थे उनका यहाँ पर मैं ज़रूरी समझूँगा कि मैं तस्करा करूँ। एक ग्रुप या एक फरीक इसमें मुशर्रफ जावेद जंजुआ साहब का था जो हमारे पाकिस्तान कबड्डी टीम के कैप्टन हैं, हमारे कौमी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान कबड्डी को बैनुल अक्वामी सतह पर मुतारफ़ करवाने में एक मरकजी किरदार अदा किया, हमारे कौमी हीरो हैं। और दूसरी तरफ हमारे उनके एक मजरूब भाई थे, कज़न थे, जैन
सैम बाजवा साहब, सैम बाजवा साहब इस लड़ाई में मजरूब हुए, उनके मैं बड़े दिल को सलाम पेश करता हूँ, उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा किया। और यहाँ पर तज़किरा करना एक ऐसी शख्सियत का भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ जिनका नाम बिलाल बंदेशा है, वो भी इस लड़ाई में फरीक थे और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनके ख़ानदान के, उनके दोस्त अहबाब के हम पर बेशुमार एहसानात हैं कि उन्होंने मरहूम रशीद साहब का, जनाब ज़फ़र इकबाल नागरा साहब का और हमारे दीगर इन मौजूदीन का और बिलखसूस बिलाल बंदेशा साहब को मनाने के हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ महर अब्दुल रऊफ साहब का कि जिन्होंने इसमें एक ऐसा किरदार अदा किया कि जिसकी अगर मैं तारीफ़ करूँ तो वो किसी सूरत शायद अल्फाज के अहाते में ना आ सके। लिहाजा आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और दूसरी तरफ आप ये बात भी ज़रूरी समझता हूँ कि ताहिर गुजर साहब और उनके साथी जो इस झगड़े में दूसरा फरीक था, मैं समझता हूँ उन्होंने भी अहबाब का, इन मौजूदीन का जिस तरह एहतराम और इकराम किया और आज हम सुरों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। लिहाजा इख्तसार के साथ सिर्फ इतनी बात कहूँगा क्योंकि ये अहसन अमल है, मैंने पहले भी हदीस मुबारक आपके सामने रखी थी, तो इस हवाले से एक गुजारिश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और वो क्या है कि ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं, ये खेल के मैदानों में हमें अच्छे लगते हैं। हमने पाकिस्तान कबड्डी टीम के हवाले से बर सगीर के इस खेल को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने में हमारे इन हीरोज़ ने, मैं इनकी अजमतों को सलाम पेश करता हूँ। वो हमारी कौमी टीम का कोई खिलाड़ी है, कोई कबड्डी का प्लेयर है, या मुशर्रफ नेजवा साहब खुद हैं, या जैसे कि इमरान जट माना साहब हैं, इन तमाम अहबाब का मैं ज़ाती तौर पर और अपने मौजूदीन की तरफ से, इस फैसलाबाद शहर की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अच्छे फैसले को चुना। और आज इस अच्छे फैसले को चुनने के बाद आज इस बात पर इकट्ठे हो गए हैं कि हमारी सुलह करवा दी जाए, लेकिन इसमें इनकी नेक नीयती, इनका इरादा ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक, और वो ये कि हम जब सुलह करेंगे तो एक अच्छे मुसलमान की तरह अपने अल्लाह को मानते हुए, अपने कुरान को मानते हुए, अपने नबी आखिरुज़्ज़मान नबी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उसूल जो उन्होंने हमारी उम्मत के लिए तालीम की, उनके मुताबिक हम दिलो जान से सुलह करेंगे और इसमें कोई मुनाफ़त, कोई रियाकारी, कोई तसन्नो, कोई बनावट, कोई धोखा नहीं होगा। लिहाजा ये सुलह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस कुरान को, जिसको हम सब मानते हैं, उस कुरान पर यह सुलह होगी और दिलो जान से होगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या, ऐसा कोई सानहा ना हो सके। लिहाजा आखिर में मैं दुआगो हूँ कि इस बात के हवाले से अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हमारी नुसरत फरमाए और हमारे इरादों को अल्लाह पाक इस्तकामत बख्शे। अब मैं आखिर में गुजारिश करूँगा जनाब मरहूम रशीद साहब से, MKPP 117, कि वो अहबाब का शुक्रिया अदा करें और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब मरहूम रशीद साहब, अस्सलामुअलैकुम। सब दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन जो सुलह का अमल है इसमें सब दोस्तों ने भरपूर शिरकत की है। मैं जनाब ज़फ़र नागरा साहब का कि जिस दिन लड़ाई हुई है मुझे तो उस दिन पता ही नहीं लगा पहले दिन, लेकिन अगले दिन मुझे भाई आज़म वाला साहब से, मेरा आज़म भाई से पिछले 15-16 साल से भाइयों जैसा, बड़े भाइयों जैसा उनके साथ तल्लक है और वो हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब मुझे इलम में बात आई, मेरी ज़फ़र नागरा साहब से बात हुई, मैं सीधा गाड़ी लेके तो भाई आज़म के पास पहुँच गया कि भाई जान ये तो लड़ाई है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे शहर के लिए अच्छी नहीं है, हमारी स्पेशली कबड्डी के लिए अच्छी नहीं है, कि ये लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, जिस तरह हमारे गाँव में माहौल होता है कि ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लोग इसमें शामिल होते जाते हैं और लड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई आज़म साहब का कि उन्होंने मेरी बड़ी बात तवज्जो से सुनी, भाई खालिक साहब का और बाकी दोस्तों का, लेकिन फिर एक अच्छी और लंबी, बहुत लंबी सेटिंग हुई जिसमें इनसे गुजारिश की गई और इन्होंने सिर्फ इस बात पे मामले को ख़त्म किया कि यार आज इस बात पे लाइन लगा दी जाए कि हमने आज के बाद लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जो सुलह है ये मैं अपने बाकी दोस्तों से, अहबाब से, जिन दोस्तों ने मेरी इसमें मदद की है, स्पेशली जो हमारा छोटा भाई जैन है जो मजरूब हुआ है, उनका कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनसे पूछे बगैर मैं ये बात किसी सूरत कर ही नहीं सकता कि हमारा वो छोटा भाई भी है, लेकिन उनके ख़ानदान को सबको मशवरे में लेना बहुत ज़रूरी है।
और इस बात में मैं इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, फिलहाल बंदेशा साहब का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि इन भाइयों ने भी इसमें पॉजिटिव रोल अदा किया। उसके बाद हमने ताहर साहब से बात की, जफर नागरा साहब ने बात की, भाई काशिफ गुज्जर साहब इसमें शामिल हो गए, जनाब मलक तोता साहब इसमें शामिल हो गए और सब दोस्तों ने मिलजुल के इसमें किरदार अदा किया। मैं इंतहाई सब दोस्तों का मशहूर हूँ, गुज्जर फैमिली का भी और इधर से भाजपा फैमिली और शरफ फैमिली जो है सबकी, और सबसे ज़्यादा भाई आदम वाला साहब का, इन्होंने इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया है और खिलाड़ी जो है वो खेल के मैदान में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह जैन हमारा नौजवान छोटा बच्चा भी है, भाई भी है और खिलाड़ी भी है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी सब के लिए। जनाब मना जज साहब हैं, इन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, हमारे कबड्डी टीम के कप्तान हैं। और बाकी मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं किसी दोस्त का नाम नहीं ले सका, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि आज हम इस जगह पे एक मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इकट्ठे हैं। लेकिन जिस तरह बड़े भाई गुलाम भी कमान साहब ने फरमाया है कि हमने इंशाल्लाह इसको शरई असूलों के तहत, शरई मामला, हमने इस लड़ाई को जड़ से ख़त्म करना, हमारा दिल ये नहीं है कि ये आज एक दफ़ा ऊपर ऊपर से जपियाँ डाल लें और अच्छा अच्छा करके जी बहुत अच्छा हो गया। हमारा दिल है कि हम इस लड़ाई को बेसिकली ख़त्म करें, शुरू से ही ख़त्म कर दें, और जिस तरह लड़ाई से पहले ये अच्छे दोस्त थे उसी तरह ये तो अच्छे दोस्त हैं। तमाम दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूँगा जनाब ताहिर गुज्जर साहब से, जनाब मुशर्रफ बाजवा साहब से, मुशर्रफ जुजवा साहब से और जैन साहब से, जैन बाजवा साहब से कि वो हैं और कुछ कर कुरान पाक पर मेरा भाई दिल को साफ करते हुए, मैं हम साहबरा साहब से, इमरान रहन साहब, फिलहाल साहब भैया और भैया और अल्लाह ताला जनाब सी बरकत ना इस अल्लाह ताला बरकत दिलों हर किस्म का मैल खत्म करे, तो साढ़े दिलों के इंशाल्लाह असं सारे गवाह हाँ कि असी इस कुरान के उत्ते सुलह की है, अज तो बाद दिन किसी बारे एक दूसरे बारे मैल इंशाल्लाह अल्लाह ताला को पाएगा आखिर अगली हो जाओ जी। दुआ खैर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लम अल्लाहु मंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक तयादल जलाली वल इकराम। क्या परवरदिगार आलम तेरी तौफीक से, या रब्बुल आलमीन तेरी तालीमात के मुताबिक, तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक, उनकी तालीम के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक, या अल्लाह इन हमारे भाइयों के मादे खुदा का मजबूर अपनी बरकत इनमें कबड्डी के खेल को पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन फरमाने वाले हमारे इन भाइयों को मजीद इज्जतों से नवाज, या अल्लाह इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले हर उस बंदे ने इसने दरमे सुखने इसमें हिस्सा लिया, दामे से हिस्सा लिया, या रब्बुल आलमीन उसकी काफियों को कबूल फरमा और हमारे इन भाइयों के माबैन अखुबत और भाईचारे की फिजा को पैदा फरमा और कायम दाइम रख। रब्बना व तक़ब्बल दुआ सल्लल्लाहु अलैहि हबीबे ही सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम आमीन सुम्मा अमीन रब्बना या अल्लाह सबरुल मुबारक सबरुल मुबारक।